नमस्ते पोकोयो। नमस्ते। अच्छा जी, तुम्हारे पास एकदम नया खिलौना है, ये है क्या पोकोयो? क्या आप में से कोई बता सकता है कि पोकोयो का ये नया खिलौना क्या है? ये जहाज है, ये एक हवाई जहाज है। हाँ बिल्कुल सही, जहाज। ओ, पोकोयो को जहाज वाला खिलौना पसंद है, पर समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। ओ अच्छा, वो दिखा कर बताएगा इस क्यों का जवाब। अरे ये तो उड़ चला। शानदार पोकोयो। अरे अरे बच के अली, ये आया जहाज। वाह, ये तो लौट आया तुम्हारे पास पोकोयो। ये एली कुछ कहना चाहती है। लगता है एली भी जहाज उड़ाना चाहती है। देखो तो पोकोयो, तुम्हें कितने प्यार से मना रही है एली। हाँ पोकोयो भी मान गया, ये लो एली। क्या तुम जानती हो इसे कैसे उड़ाते हैं एली? ओ अच्छा, तुम जानती हो, बताओ कैसे। सही है, इसे घुमाते रहो, पर ज्यादा मत घुमा देना एली। अरे 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 एली, आराम से, इतना भी नहीं घुमाते। देखो ये कितना ऊपर चला गया। ओह, हमने पोकोयो का जहाज खो दिया। इसे अब हम कैसे ढूंढेंगे जब ये दिख ही नहीं रहा है? एक टेलीस्कोप, क्या कमाल का विचार है पेटो। जब कोई टेलीस्कोप से देखता है तो वो दूर तक की चीज भी देख सकता है। जल्दी पोकोयो, देखो इस टेलीस्कोप से। क्या कुछ दिखा पोकोयो? ओ, शायद जहाज उड़कर दूर अंतरिक्ष में चला गया है। अब हम इसे वहां से कैसे ला सकते हैं? ओ पोकोयो तो काफी गुस्सा भी हो गया है अली। ओ हाँ बेशक, वैमूश। वाह शानदार, ये तो जहाज की खोज के साथ साथ अंतरिक्ष की यात्रा भी हो गई। एक तीर दो शिकार। अरे ये तीनों तो किसी और ग्रह पर उतर चुके हैं। ओह ये तो एलियंस हैं। डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत। पर पोकोयो तो वो है जो कहीं भी खेलने को तैयार है। ये देखो, वो एलियंस के साथ भी मजे करने लगा। वाह क्या मजा है। पर तुम्हारे जहाज का क्या हुआ पोकोयो? शायद इन एलियंस को कुछ मालूम हो। हवाई जहाज। लगता है ये लोग आपस में बातचीत करके एरोप्लेन का पता लगा रहे हैं। लग तो ऐसा ही रहा है। हाँ वो रहा। मुझे नहीं लगता कि तुम वहां तक पहुंच पाओगे पोकोयो, ना ही एली या पेटो। क्या तुम किसी को जानते हो जो वहां तक पहुंच सके पोकोयो? मैं भी नहीं जानता, शायद शायद ऐसा कोई जो खींच सकता हो। क्या आप में से कोई बता सकता है कि वहां तक पहुंचकर कौन पोकोयो का जहाज ला सकता है? एक एलियन। हाँ सही जवाब।
याहू, हमारे नए एलियन दोस्त ने कर दिखाया। वाह वाह। और एली जहाज को फिर उड़ाना चाहती है, पर पोकोयो ने इस बार कहा नहीं। चलो ठीक है पोकोयो, अब अपनी धरती पर वापस चलना चाहिए, है ना? ओ, लगता है एलियंस कुछ कहना चाहते हैं। चलो पार्टी करें। कमाल का आइडिया। येलो नाच गाना और पार्टी शुरू। वैसे जहाज मिलने के साथ में पोकोयो को ये नए दोस्त भी मिल गए हैं। क्या बात है। बाय बाय, फिर मिलेंगे। नमस्ते पोकोयो। नमस्ते। कहाँ चले जा रहे हो? ये तुम्हें क्या मिल गया पोकोयो? तुम्हें नहीं पता? क्या आप में से कोई पोकोयो को बताएगा कि ये है क्या? कैटरपिलर। ये कैटरपिलर है। कैटरपिलर। अरे ये तो चल पड़ा। और ये आ रही है एली। ओ संभल के। ये तुमने बहुत अच्छा किया पोकोयो। लगता है किसी को तुम्हारे नन्हे दोस्त का ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ पर तुम्हारी बड़ी सी दोस्त एली तो गिर गई है। और ये क्या, कैटरपिलर तो उसके ऊपर से भी चली गई। एली, पोकोयो, देखो तो कहाँ जा रही है वो। कैटरपिलर को ये पत्ते पसंद आ रहे हैं। पोकोयो, पूरा ढेर खत्म हो गया पत्तों का। लगता है ये भूखी थी। हालांकि ये काफी छोटी है, पर हो सकता है पत्ते उसकी पसंदीदा डिश हो। वैसे भी कैटरपिलर को खाना पसंद है। ओ, पैटो के पास कितना लाजवाब केक है। शायद इसी खुशी में पैटो नाच रहा है। ओ, ये कहाँ गया? इस कैटरपिलर की भूख तो कुछ ज्यादा ही है। वैसे अब खाने में क्या है अगला पोकोयो, जल्दी बताओ। टेबल? पर पोकोयो रुको तो, ये तो सब खा जाएगा ऐसा लग रहा है। मुझे नहीं लगता कैटरपिलर इसे खाएगा। हैं? लगता है कुछ ज्यादा ही भूखा है ना? हाँ। अब क्या तुम पैटो के बारे में सोच रहे हो? वाह वाह, क्या बढ़िया समय निकल रहा है एली का। पर पोकोयो वो सब एली का है। हाँ, एली, कैटरपिलर ने सब खा लिया, तुम्हारा खाना भी। नहीं पोकोयो, वो किताब है पढ़ने की। और इसे किताबें भी पसंद है। माफ करना पेटो एली, पर शायद पोकोयो के इस नन्हे दोस्त को भरपूर खाना नहीं मिल रहा है। पर क्या अब हमें और खाना ढूंढना पड़ेगा नन्हे पर पेटू दोस्त के लिए? बाप रे, उसने ये पेड़ भी चट कर दिया। लगता है तुम्हारा नन्हा दोस्त यहाँ भी आया था। क्या तुम जानते हो पोकोयो, ये सब खाने से तुम्हारा कैटरपिलर दोस्त बदल रहा है। हाँ, इसने खुद के लिए कोकून बनाया है। कोकून? हाँ,
कुकून एक तरह का बड़ा आरामदायक बैग होता है जिसमें आराम फरमाते हैं। क्या तुम्हें भी कुछ ऐसा दिख रहा है पोकोयो? हाँ पोकोयो, वो रहा तुम्हारा दोस्त उसके अंदर। ओहो, तुम सब इतने परेशान क्यों हो गए? वो ठीक है। शुक्रिया डॉक्टर पैटो। जब तुम्हारा नन्हा दोस्त कोकून से बाहर आएगा पोकोयो, तो अब चलो मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ, तब तुम्हें यकीन नहीं होगा वो कितना बदल गया होगा। यही जमघट लगा रखा इन तीनों ने कैटरपिलर को देखने के लिए। हो, ये क्या है? शायद मुझे पोकोयो का दोस्त दिख रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि पोकोयो का दोस्त किस में बदल गया है? एक तितली, एक प्यारी सी तितली। हाँ, वो कैटरपिलर अब तितली बन गई है। तो पोकोयो, तुम्हारा दोस्त वास्तव में बदल गया है। ओह, ये तितली भी भूखी है। तो पोकोयो, तुम्हारा दोस्त बदल तो गया है, पर उसके खाने की आदत वैसी ही है, और ये फिर भी तुम्हारा दोस्त है। वाह वाह पोकोयो, फिर मिलेंगे। नमस्ते पोकोयो, तुम क्या कर रहे हो? हाँ बेशक, हम रुकते हैं। पर देख तो सकते हैं कि तुम किसी बड़ी खुराफात में हो पोकोयो। ओह अच्छा, तुमने एक कार्ड बनाया है और वो भी बहुत बढ़िया वाला। क्या कोई आप में से ये बता सकता है कि ये तस्वीर किसकी है? एक वेल की। क्या ये कार्ड वेल के लिए है? रुको, क्या आज वेल का जन्मदिन है? क्या वेल जन्मदिन की पार्टी देने वाली है? अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। एली, क्या तुम वेल के जन्मदिन पार्टी में कोई गिफ्ट ले जा रही हो? एक गुब्बारा। पर तुम इसे बांधोगी कैसे? और गिफ्ट को बिना बंधे ले जाना अच्छा नहीं लगता ना पोकोयो, क्या तुम कुछ करोगे? बहुत खूब पोकोयो, मैं सोच रहा हूँ कि क्या वेल समझ पाएगी ये क्या है। चलिए देखते हैं पेटो वेल के लिए क्या बना रहा है। हाँ, कुछ तो खास बनाया है पेटो ने। क्या शानदार कपकेक है पेटो। वाह, वैसे ये गिफ्ट्स वेल को बहुत पसंद आने वाले हैं। वेल के लिए। हाँ तो देखो, ये तीनों अपनी दोस्त वेल से मिलने चल पड़े हैं। आज उसके यहाँ बर्थडे पार्टी है। पोकोयो तो काफी ज्यादा खुश लग रहा है। अरे पर ये क्या, वेमुश तो अटक गया है, अब क्या होगा? ओहो, ये आवाज तो गुब्बारे के फटने की है। ओह, एली तो उदास हो गई। एली नहीं, दुखी मत हो, हमारे पास अभी भी कम से कम कार्ड और कपकेक तो है। पर अब ये लोग गोताखोर की तरह क्या खोज रहे हैं? कितनी प्यारी मछली है। Thank you.
अरे पर ये कुछ तो हुआ अभी अभी। हाँ बेटो, लगता है तुम्हारा कुछ छूट गया है। तुम्हारा केक। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे मछली उसे निगल गई। अब कम से कम तुम्हारे पास पोकोयो का सुंदर कार्ड तो है, शायद उसी से बात बन जाए। हाँ, वो रही वेल। ये बहुत दूर से आए हैं वेल, और सभी ने तुम्हारे लिए प्यारे से गिफ्ट्स भी बनाए हैं। एली तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया बलून देने वाली थी, पर गलती से वो बीच रास्ते में ही फट गया। हाँ, क्या कर सकते हैं। पर तुम दुखी मत हो वेल। और पेटो ने तुम्हारे लिए एक शानदार कपकेक बनाया था, पर गलती से उसे भी मछली ने खा लिया। खुशकिस्मती से एक गिफ्ट अभी भी बचा हुआ है। पोकोयो ने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत बर्थडे कार्ड बनाया है। ओ नहीं, पोकोयो का बनाया कार्ड पानी ने खराब कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओ हो, ना गुब्बारा, ना केक और ना ही कार्ड। देखो, वेल अब भी खुश है, भले ही तुम कार्ड या केक या गुब्बारा लेकर नहीं आए। आप में से कोई पोकोयो, पेटो और एली को बताएगा कि उन्हें वेल की जन्मदिन पार्टी में कौन लेकर आया है। वो खुद ही आए हैं। हाँ, पोकोयो, पेटो और एली यहाँ हैं। सभी दोस्तों से मिले बढ़िया गिफ्ट के लिए वाह वाह, और वाह वाह पोकोयो के लिए। फिर मिलेंगे। बाय बाय।